भैया मक्का का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया, हम लोगों ने जमीन ली है भैया, सिकमी जमीन लेते हैं, थोड़े से छोटे से किसान हैं हम लोग, थोड़ी थोड़ी सी जमीन है, है? बताइए आप, यदि मक्का की फसल हम लोगों ने तैयार की है, एक तो बड़ी मेहनत की है, और यदि मक्का का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है या सरकार नहीं खरीदती है तो हम लोग तो बिक जाएंगे ना। ये सरकार से आप मतलब क्या चाहते हैं अभी? हम यही चाहते हैं कि जैसे छिंदवाड़ा में मक्का की खरीद होती है, ऐसे यहाँ जबलपुर जिले में भी मक्का की खरीद हो, काफी किसानों ने मक्का लगाया हुआ है। अगर किसी कारणवश सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं करती है मक्का का, तो उसमें आपका मतलब कितना नुकसान हो सकता है? अब हम तो किसान हैं और किसान ही पे डिपेंड है, अगर हमारी एक फसल भी यदि सरकार नहीं लेती है तो ये मान के चलिए हम तो बर्बाद हो ही जाएंगे। अगर मतलब सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं करती तो नुकसान उसमें कितना होगा आपका, और रजिस्ट्रेशन कर देती तो उसमें आपका फायदा और कितना हो जाएगा? लगभग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो ये मान के चलिए व्यापारी है, व्यापारी जो अपने हिसाब से लेगा 500 रुपए, 600 रुपए या 700 या 800, तो हमें उसको बेचना पड़ेगा। और यदि सरकार लेती है तो सरकार से 1830 रुपए का पहले अपन ने सुना था, यदि 1830 रुपए का यदि सरकार ले लेती है तो हमें काफी कुछ उसमें बचत हो जाएगी, 1000 रुपए। सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसान भाइयों की तरफ भी देखें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन हर चीज में थोड़ा उसको देखना चाहिए, जैसे अब ये फसल बीमा है, ये है वो है, चलो ये तो सब सारी चीजें ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब हमने फसल ही तैयार कर ली, जो फसल बर्बाद हो गई उस पे आप बीमा दे रहे हैं और जो फसल तैयार है उस पे आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तो मतलब इसमें तो ज्यादा लॉस है ना हमारा। चलिए ठीक है, मैं ये आपका ऊपर तक बात पहुंचाने में आपका जोर लगाऊंगा, बाकी फिर सरकार के ऊपर है, आप जो कुछ होगा सरकार करेगी। जी।